पायलट जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके लिए राहुल गांधी जी का बयान आया, उन्होंने कहा मेरी एसेट है, हमारे एक्स प्रेसिडेंट है पार्टी के स्टेट के, जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे मैं जिलाध्यक्ष जयपुर का था, हमने दोनों ने मिलकर संघर्ष किया, आंदोलन किए और अभी भी इस फंक्शन में भी थे वो यहाँ पर। पायलट साहब ने क्या बात कही है, यही तो कहा कि बीजेपी के शासन में जो घोटाले हुए उनको लेकर हमने सब ने डिसीजन लिया था, सरकार बनने से पहले इनकी जांच कराएंगे, सच्चाई जनता के बीच में लाएंगे और बीजेपी की सरकार ने घोटाले किए वो सच्चाई सामने आनी चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही तो बात कही। और राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाओ, कांग्रेस की ये आवाज़ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए, अडानी घोटाले की जाँच होनी चाहिए। तो करप्शन के खिलाफ कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी MLA, कोई भी एक्स प्रेसिडेंट, आम नागरिक भी यदि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है, जहां करप्शन के खिलाफ आवाज उठेगी, बीजेपी ने कहीं करप्शन किया है और उस मुद्दे पर हम लड़े हैं, तो ऐसी आवाज उठेगी तो उस आवाज में प्रताप सिंह खाचरियावास साथ खड़ा है, मैं सरकार में बैठा हूं। यदि कहीं बीजेपी ने करप्शन किया है और उस पर हमारी सरकार आ गई है, तो हम उन मुद्दों पर जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उनको सम्मान के साथ सुनेंगे, समझेंगे और मैं भी कैबिनेट में डिस्कस करूंगा कि इन मुद्दों पर जो बीजेपी ने पाप किए हैं उन पापों का तो इलाज करना ही चाहिए हमको, उसमें गलत क्या उठाया है, बीजेपी के खिलाफ भी तो मुद्दे उठाए हैं, तो क्या अब बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोलने दोगे, क्या आप चाहते क्या प्रेस वाले कि सचिन पायलट जी बीजेपी के टाइम पे जो घोटाले हुए उन पर भी नहीं बोले, बोलने दो, जब आवाज चलती रहती है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है, तो ये डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, राहुल गांधी दिल्ली में बोल रहे हैं यहाँ करप्शन के खिलाफ आवाज उठी है, तो बीजेपी का करप्शन के खिलाफ भी तो आवाज उठाई है, तो सच की जो आवाज होगी उस आवाज में राजस्थान के हित में, कांग्रेस की ताकत के हित में जो सम्मान उस आवाज को हम दे सकते हैं वो देंगे। वो भी तो यही बोल रहे हैं कि जांच कराई जाए, सरकार तो आपकी है। तो मैं कैबिनेट सरकार में कोई मुख्यमंत्री हूँ, आप खुद इस बात को जानते हैं कि मैं जब कह रहा हूं कि मैं उनकी आवाज के साथ लड़ा हूं सड़कों पर, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो भी उस वक्त इन मुद्दों पर बोल चुके हैं, उन्होंने आपको वीडियो दिखा दी है, तो कुछ बातें मुख्यमंत्री जी से भी पूछ लो, सारे जवाब मैं ही देऊं लगी। मैं तो कह ही रहा हूं ना कि राहुल गांधी जी ने जब कह दिया अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी मेरी एसेट है, राहुल गांधी के लिए, खड़गे साहब के लिए, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एसेट है, यदि सच की कोई आवाज है तो दबनी नहीं चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए।